हाय गाइस, साहिल हियर। तो आज मैं मतलब एक ताज़ा अपडेट ये है कि मेरा लैपटॉप फिर से ख़राब हो गया है और अब मैं उसको ठीक नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं बहुत बार ही ठीक करा चुका हूँ। मतलब एक बार इंडिया में ख़राब हो गया था, एक बार यहाँ पे भी आके ख़राब हो गया था, कुछ दिक्कत हो गई थी। तो मैं आज अपना लैपटॉप लेने जा रहा हूँ। तो आज हम लैपटॉप मतलब एप्पल का मैकबुक एयर सोच रहा हूँ मैं, और क्योंकि अभी ना मैकबुक प्रो का या मैकबुक एयर दोनों ना नए लेटेस्ट वर्जन लॉन्च होने वाले हैं। तो देखते हैं कि अगर मान लो वो वाला, मैं उनसे एक बार पूछूंगा कि वो कब रिलीज़ होगा। तो अगर वो रिलीज़ होगा तो मैं वेट कर लूँगा उतना टाइम, मतलब 10-15 दिन, क्योंकि अभी एप्पल का नया इवेंट लॉन्च होने ही वाला है। तो अभी एप्पल स्टोर चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा मैकबुक सही रहेगा, एयर या प्रो, और क्या क्या फीचर्स हैं। और मेरे को ये भी पता करना था कि इंडिया के प्राइस में और यूके के प्राइस में कितना डिफरेंस है। ऑल दो यहाँ मुझे लगता है कि ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है, लेकिन स्टिल एक बार चेकआउट कर लेंगे कि कौन सा क्या सस्ता है। तो मैं आप लोगों को बता भी पाऊँगा कि अगर आपको वहाँ से, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आपको इंडिया से अपना लैपटॉप लेके आना चाहिए या यहाँ से आपको लैपटॉप लेना चाहिए। और वहाँ जाके ये चेकआउट भी करते हैं कि अगर हम स्टूडेंट हैं यहाँ पे यूके में और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, वो क्या फाइनेंस पे हमको मिल सकता है क्या या नहीं मिल सकता है। तो ये वाली चीज़ भी चेकआउट करेंगे कि फाइनेंस आप अपने आईफोन या लैपटॉप्स अपने फाइनेंस करवा सकते हो या नहीं करवा सकते हो। तो फटाफट एप्पल स्टोर चलते हैं। भाई मैंने मैकबुक एयर ले लिया है और अभी मैं स्टेशन से अपने घर वापस जा रहा हूँ। तो वहाँ पे मैं इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि वो बिल्कुल सेंट्रल लंदन वाले एप्पल स्टोर गया था मेरे को कुछ और मतलब शॉपिंग करनी थी अपनी ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से। तो बाकी सारी चीज़ें मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को बतानी है, तो मैं वो रूम पर जाकर बताऊँगा जब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। तो अनबॉक्सिंग और सारी चीज़ें रूम पर जा करते हैं। फिलहाल स्टेशन से अपने घर जा रहे हैं और फिर अभी मेरे को यहाँ से पहले ट्रेन जाना है। ट्रेन से मेरे को एक स्टॉप है, वहाँ से बस लेनी है और फिर मैं रूम पर जाऊँगा, घर जाऊँगा। तो गाइस फाइनली रूम पे पहुँच गए हैं। तो अभी एयरपोर्ट की और मैकबुक एयर की अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको क्या है, और फिर जो सारी फाइनेंस की और कितने का पड़ा मेरे को और स्टूडेंट फाइनेंस करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ मैं। तो अभी के लिए इसको साइड में रख देते हैं और पहले मैकबुक की अनबॉक्सिंग करते हैं। के बारे में मैंने गोल्ड में लिया है और ये फाइनली प्रोडक्ट है। और ये इसको मैं अभी ऑन करने के लिए साइड में रख देता हूँ। और बॉक्स में, अगर बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो बॉक्स में है ये USB-C to लाइटनिंग केबल और ये कुछ पेपर वर्क है और चार्जर है। और ये चार्जर हमारा यूके स्टाइल है, तो जो मेरे पास नॉर्मल अपना जो पहले मेरे पास मैकबुक एयर था उसमें वही इंडियन स्टाइल था और वहाँ पे तो ना एक और पावर केबल भी थी, तो वहाँ पे वो भी मिलती है। अब यहाँ पता नहीं इन्होंने USB-C के चक्कर से छोटी कर दी केबल। तो और इसमें कुछ पेपर वर्क है आई गेस, मैकबुक एयर के बारे में बता रखा है और कुछ नहीं है। और ये मैकबुक एयर M1 चिप वाला है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, तो इसका उतार लेते हैं एक सेकंड के लिए और मैं इसको सेटअप करके आपको दिखाता हूँ बाकी सब। और अगर मैं इसकी एयरपोर्ट्स की बात करूं तो एयरपोर्ट्स की अनबॉक्सिंग में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये आपको डिज़ाइन बाय एप्पल है। इसमें शायद एक स्टिकर है और कुछ कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं। इसका स्टिकर भी नहीं है हमारे पास एप्पल का और
ये आपके पास एयरपोर्ट है, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। मतलब एयरपोर्ट्स में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके पास ये एयर केस है और दो आपके एयरपोर्ट्स हैं। तो इसमें ना जो आपको मतलब क्योंकि मैंने स्टूडेंट डिस्काउंट से एयरपोर्ट लिया है, तो एयरपोर्ट्स में स्टूडेंट डिस्काउंट वाले में ये नॉर्मल केस आता है। इसमें जो वायरलेस चार्जिंग केस है वो नहीं है, ये सिंपल जो एयरपोर्ट सीरीज वन थे जो सबसे पहले एप्पल ने लॉन्च करे थे एयरपोर्ट्स, ये आपको वो मिल रहे हैं। और मे बी अब जब नई जनरेशन आ रही है, क्योंकि अब एयरपोर्ट शायद अभी अक्टूबर वाले इवेंट में नए भी लॉन्च हो जाएंगे, तो मे बी जब आप नेक्स्ट सीरीज लेंगे या जब नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट ईयर जो आएंगे वो शायद रिप्लेस होकर आ जाए एयरपोर्ट्स, लेकिन अभी के लिए यही है। और अगर मैं आपको ये एयरपोर्ट्स मतलब दोनों मैक कंपेयर करूँ, ये मेरा आईफोन 13 जो मेरा 15-16 मॉडल है और ये मेरा 2021 मॉडल है, तो इसमें जो वैसे ये दोनों 13 इंच है लेकिन इनके साइज़ में डिफरेंस है अगर आप देखोगे तो। मे बी ये बस साइज़ का, क्योंकि इसमें थोड़े से जो 2015-16 उसमें कॉर्नर्स हैं एक्स्ट्रा, लेकिन इसमें कॉर्नर्स नहीं है, इसमें पूरी डायरेक्ट स्क्रीन है एज टू एज अगर आप देखोगे तो मे बी वही डिफरेंस है। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो ये मेरे को पड़ा है £740 का। ऑल दो इसका जो अगर मतलब ऑन प्राइस अगर एप्पल की वेबसाइट वगैरह पे देखोगे तो आप £999 है, लेकिन क्योंकि आप स्टूडेंट डिस्काउंट लगा रहे हो और मतलब मेरे पास उन लोगों ने मेरे से आइडिया वगैरह मांगी तो मैंने बताया, तो वो अब मेरे को £740 के पड़ा है। इसके अलावा अगर मैं ये बोलूँ कि आपको इंडिया से लैपटॉप लेना चाहिए या यूके से लैपटॉप लेना चाहिए, देखो इंडिया में भी लैपटॉप इतना ही रेट है सबका, सेम ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ रेट है दोनों का। इंडिया में भी ये 70 के आसपास का ही पड़ता है और यहाँ पे भी 74-72 का पड़ता है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है जो मेरे इस लैपटॉप की आईसी ख़राब हुई है, जो मतलब मदरबोर्ड में कुछ पार्ट है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं कनेक्टर लेके आया था ना इंडिया से, उसकी वजह से ख़राब हुई है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई लैपटॉप है तो आप वही ले आओ, लेकिन अगर आप नया लेने की सोच रहे हो तो ऑब्वियसली आप यूके आके ही लो, क्योंकि प्राइस में इतना डिफरेंस नहीं है। मतलब आपको चीप लैपटॉप नहीं मिलेगा, या मतलब ऐसा जैसे कि यूएस में या यूके में, यूएस में या कनाडा वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया में, सब में प्राइस में डिफरेंस है कि इंडिया में महंगे हैं लैपटॉप और इन सब कंट्रीज में सस्ते हैं, तो लेकिन यहाँ पे प्राइस में इतना डिफरेंस नहीं है, 2-4-5 हज़ार का मैक्सिमम डिफरेंस है। लेकिन आपको क्योंकि यहाँ की पावर स्टेबिलिटी और पावर यूसेज के हिसाब से लैपटॉप मिलेगा, उनका अपना चार्जर मिलेगा, तो अगर आपके पास ऑलरेडी लैपटॉप है तो आप वही लेके आओ, वरना अगर आप नया लेने की सोच रहे हो तो फिर आप यहाँ आके लो, इंडिया से लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने ना जो स्टूडेंट डिस्काउंट मतलब जो स्टूडेंट फाइनेंसिंग है वो भी मैंने पता करी थी, तो आप मतलब यूके में अगर आप लास्ट 3 ईयर से आप रेजिडेंट नहीं हो यूके के, तो आप स्टूडेंट फाइनेंसिंग नहीं करा सकते, या आप चाहे वो फ़ोन है, चाहे वो आप मतलब लैपटॉप है, चाहे वो कुछ भी है जो फाइनेंसिंग है, चाहे वो एप्पल फाइनेंस है, चाहे वो आप अपने बैंक से फाइनेंस करा रहे हो, आप बैंक से क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, लेकिन बैंक आपको फाइनेंस नहीं करेगा, आपको सारी चीज़ें कैश पे लेनी पड़ेंगी। लेकिन जैसे कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यहाँ पे लोग ऐसे करते हैं कि स्टूडेंट जाते ही फ़ोन वगैरह ले लिया, लैपटॉप ले लिया, तो यूके में आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो, यूके में आपको कैश पे ही लेना पड़ेगा सब कुछ। और अगर आप 3 इयर्स से ज़्यादा रह रहे हो या 3 इयर्स से ज़्यादा आपको हो गए हैं यूके में एज अ रेजिडेंट, तो आप एलिजिबल हो, तो आपको फाइनेंसिंग मिल जाएगी, तो मतलब वो 0% पे मिल जाएगी, वो फिर स्कीम टू स्कीम और ऑफर टू ऑफर है, चाहे वो एप्पल का है या किसी भी कंपनी का है। लेकिन अगर आप सिर्फ स्टूडेंट हो और आप मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट नए आए हो, तो आपको कैश पे ही लेना पड़ेगा, आप डिस्काउंट नहीं ले सकते हो। तो ये मेरा एक छोटा सा मतलब अनबॉक्सिंग और मेरी वीडियो थी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव फ्रॉम लंदन, बॉय फ्रॉम इंडिया।